समुद्र शक्ति के बारे में नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। 2018 का जो एडिशन है वो जावा, जो इंडोनेशिया में पड़ता है, उस आइलैंड पे, उसका एक आइलैंड है, उस आइलैंड पे सूराबाया पोर्ट है वहाँ पे। और इंडिया की साइड से एक राणा शिप है वो जा रही है इसके अंदर। यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस वो शेयर करेंगे। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन हुआ है। मतलब कुछ नहीं होता, एक डिप्लोमेटिक टर्म है बस। इसका मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म में मतलब अच्छे रिलेशन होंगे हमारे उस कंट्री के साथ। वैसे ही हमने ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रवांडा के साथ भी साइन कर रखा है। अब एक क्वेश्चन है कि ग्रेट निकोबार है तो उससे नियरेस्ट कौन, सबसे ज़्यादा कौन पड़ता है? देखो इस साइड उसके श्रीलंका है, वो सेकंड नियरेस्ट है। सुमात्रा उसके सबसे ज़्यादा पास पड़ता है, फिर जावा उसके यहाँ पे, और ब्रुनई यहाँ पे है। तो ग्रेट निकोबार के सबसे ज़्यादा पास सुमात्रा पड़ता है इन चारों ऑप्शन में से। पॉइंट कैलिमर सेंचुरी के बारे में, ये वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरी दोनों, यहाँ पे माइग्रेटरी काफ़ी बर्ड जाते हैं। ये तमिलनाडु में सिर्फ एक ही रामसर साइट ये न्यूज़ में इसलिए, केमिकल कंपनीज और श्रिम्प आर्म्स यहाँ पे हैं बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि पीएच, सैलिनिटी, टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है। बहुत सारे सॉल्ट पैंस भी देखे गए हैं, वो होते क्या है, गुजरात और राजस्थान में बहुत सारे गड्ढे होते हैं जिसमें पानी, सॉल्ट वाटर डिपॉजिट होता है, और धूप पड़ने पे पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा, सिर्फ नमक रह जाता है, उसको सॉल्ट पैंस बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सॉल्ट पैंस, इसकी वजह से सैलिनिटी बढ़ रही है पानी में भी, और उस पानी की वजह से मेटाबॉलिक जो है एनिमल्स का वो खराब हो रहा है। बहुत सारे एनिमल्स में कॉलीफॉर्म माइक्रोबियल इन्फेक्शन देखा गया है। कॉलीफॉर्म एक तरीके का बैक्टीरिया जो अगर बर्ड्स के अंदर आता है तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है और उनकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। एनर्जी एफिशिएंसी रिवॉल्विंग फंड के बारे में है, ये एडीबी और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने मिलकर एग्रीमेंट किया है $13 मिलियन का। इस फंड को एडमिनिस्टर एडीबी करेगा। इसका मेन फोकस है कि इंडिया में जो एनर्जी एफिशिएंसी की मार्केट है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़े और मार्केट एक्सपैंड भी। इस एनर्जी एफिशिएंसी रिवॉल्विंग फंड को GEF जो है वो भी फाइनेंस देगा। अब EECL जो है वो एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, ये जॉइंट वेंचर है। सारी जो कंपनीज का जॉइंट वेंचर है वो 100% गवर्नमेंट की PSU है। जेफ जो है 1991 में आया था तो वो वर्ल्ड बैंक के अंडर आया था, लेकिन 1992 में रॉय वर्ल्ड समिट हुआ तो वो अलग हो गया वर्ल्ड बैंक से, और वो एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है वर्ल्ड बैंक, लेकिन इसका ट्रस्टी और उसको एडमिनिस्टर वर्ल्ड बैंक करता है। जेफ जो है फाइनेंस करता है प्रोजेक्ट्स को, 5 कन्वेंशन को तो करता है, ये CBD को, मीना माता को, UNFCCC, डिजर्टिफिकेशन और स्टॉकहोम को।